अमजद साबरी दे भिरा सरवा साबरी आखण जो अमजद साबरी को कतल करण वाले इंसान नहीं थी सकते। चाचा महमूद साबरी कहते हैं अमजद साबरी को धमकियां मिलदियां पे हन, उन्हां को लंदन आवण दा आख्या हा। जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग करी है, जिन लोगों ने उन्हें भेजा है, अल्लाह उनको ऐसी अजियत में मुब्तला करियो, अल्लाह उन्हें ऐसी अजियत में मुब्तला करियो मेरे मौला कि मौत मांगे और मौत ना आए, मौत मांगे और मौत ना आए। अमजद साबरी की शहादत के बाद लंदन तो कराची पुजन वाले उन्होंने भरा सरबत साबरी मीडिया नाल गाल मुहाड़ करें जिमें जज्बाती नजर आए। उन्होंने आखना जो हुकूमत आवाम का तहफुज करे, आवाम भी अपना फर्ज अदा करे। ये जो गवर्नमेंट है, ये बादशाह से लेकर फकीर से लेकर हर आदमी की जिम्मेदार है और हर आदमी भी जिम्मेदार है कि अपनी सही तरह पूरी करे। खाली गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, सब लोग जिम्मेदार है अपने अपने सही तरह ईमानदारी की तरफ जाए। हमारा पैगाम यही है बस सबके लिए, गवर्नमेंट से यह है कि हर एक की पूरी हिफाजत करें, हर एक को श्योरिटी दें। इफ दे कॉल दे सो कॉल देमसेल्फ गवर्नमेंट, दे शुड एक्ट लाइक एन गवर्नमेंट। सरबत साबरी धमकी आदि तरदीद करें जो आ क्या जो अमजद साबरी को कोई धमकी का नहीं मिली। एवरीथिंग वाज नॉर्मल बिकॉज़ हम दिन में करते रहते हैं बात। नहीं भाई यार, वो धमकियां वगैरह अल्लाह वाला बंदा था यार, धमकियां देने के लिए तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो उसके लिए गार्ड बनने के लिए तैयार हैं, कभी उसने सोचा ही नहीं। चाचा महमूद साबरी अमजद साबरी को खानदान का सरप्रस्त करार दिता, आख्या धमकियां मिलन से अमजद साबरी को लंदन आमण का मशवरा दिता हा। परसों वापस बस जी, मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू लंदन आ जा, क्योंकि यहाँ उसको धमकियाँ कुछ मिल रही थी लास्ट ईयर भी और कुछ ऐसी सुनने में आ रही थी, तो मैंने उसके बड़े भाई से सरबत से कहा, मैंने कहा यार इसको यहाँ बुला लेते हैं लंदन। अमजद साबरी की शहादत उन्होंने चाचे शेर पढ़ते उन्हों को खिराज अकीदत पेश किया। मरने को हम समझते हैं वल्लाह रोज़े ईद, जिंदा रहें तो गाजी, मर जाएं तो शहीद।